नेहरू सिद्धांत केंद्र ट्रस्ट ने लुधियाना के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए एक अजिहा स्कूल खोलन का फैसला किया है जिथे पढ़ाई फ्री करवाई जाएगी। इस संबंध में ट्रस्ट के प्रधान राकेश भारती मित्तल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिस विच उन्होंने कहा है कि लुधियाना दे विच ए स्कूल खोलिया जा रहा है ते इस स्कूल दे विच किताबा वर्दी पढ़ाई सब फ्री दे विच ही मुहैया करवाई जाएगी। इस तो इलावा उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल दे विच क्वालिटी नू मेंटेन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जेड़े लोग या जेड़े बच्चे अपनी पढ़ाई सिर्फ इस कारण करके जारी नहीं रख पाते क्योंकि उन्होंने वित्तीय स्थिति सही नहीं होंगी, वो इस स्कूल दे विच अपनी पढ़ाई नू जारी रख सकते हैं। इस दे लई उन्होंने लुधियाना शहर के लोगों तो सहयोग की मांग भी की है ता जो स्कूल दे लई जमीन ते इमारत का बंदोबस्त किया जा सके। अज असी नेहरू सिद्धांत केंद्र ट्रस्टीज़ की मीटिंग की है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की और मैनू बड़ी खुशी होंगी है दसते हुए ऑन द ईव ऑफ द डैथ एनीवर्सरी ऑफ द फाउंडर प्रेजिडेंट श्री सतपाल जी मित्तल जिन्हों की कल डैथ एनीवर्सरी 12 जनवरी मनाई जाएगी। ट्रस्टीज़ ने यूनैनिमसली अज ये फैसला किया हैगा कि असी एक होर स्कूल खोलन जा रहे हैं जेड़े अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन डाइवर्स सोशियो इकनोमिक बैकग्राउंड तो जोड़े आएंगे डिसएडवांटेज सैगमेंट्स ऑफ सोसाइटी वो बच्चों वास्ते एक क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खड़ा किया जाएगा जिदे बच्चों फ्री एजुकेशन दी जाएगी और जी एजुकेशन की मैं गल कर रहा वो ना सिर्फ फीस फ्री होएगी ट्रस्ट बच्चों यूनिफॉर्म बुक्स नोटबुक्स और होर जी भी उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट्स होनगियाँ असं कोशिश करांगे मिड डे मील का भी ऑर्गेनाइज किया जाए वो सारा जिहड़ा हैगा वै खर्चा वो नेहरू सिद्धांत केंद्र ट्रस्ट उठाएगी साल दर साल जिस दिन स्कूल शुरू हो जाए। ये असी चाहवांगे कि साढ़े नाल इंडिविजुअल्स या वो ऑर्गेनाइजेशनज या इंस्टीट्यूशन जुड़न पार्टनरशिप के तौर पर जिहड़ी सानू जमीन मुहैया कर सकन और वो जमीन दे उत्ते नेहरू सिद्धांत केंद्र ट्रस्ट स्कूल दी बिल्डिंग का पूरा खर्चा करेगी और उस तो बाद उस स्कूल नू चलाण वास्ते उदा जिन्ना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होएगा साल दर साल उदा जिहड़ा हैगा नेहरू सिद्धांत केंद्र ट्रस्ट एक्सपेंडिचर बेयर करेगा। मैं समझदा कि एक 12वीं कक्षा तक का स्कूल अगर क्वालिटी स्कूल हाई क्वालिटी स्कूल बनाना होवे ते 3 से 5 एकड़ जगह की दरकार होएगी पर मैं समझदा कि इंस्टीट्यूशनज या ऑर्गेनाइजेशनज इंडिविजुअल जिहड़े भी आन साढ़े नाल पार्टनरशिप करना चाहते हैं और जिन्हां कोल जमीन है जिथे वो कैचमेंट एरिया दे विच उस वर्ग के बच्चों स्कूल दे विच आने विच दिक्कत ना होवे असी उन्हूं उन्हां नाल इंगेज करांगे और जिथे बेस्ट लोकेशन और बेस्ट सानूं पार्टनरशिप मिलेगी उन्हां नाल असी इस स्कूल नूं अगे वधावांगे। दूसरा इहदा मॉडल ये हो सकता है कि कुछ जिहड़े ऑर्गेनाइजेशनज अदारे हैगे ने NGOs हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशनज हैं जिहड़े अज एग्जिस्टिंग स्कूल चला रहे हैं पर उन्होंने फंडिंग की रिक्वायरमेंट होंगी है और वो इंडिविजुअल्स और बिजनेसिस CSR स्पेंड के अंडर उन्होंने जाके अप्रोच करते हैं असी उन्होंने भी पार्टनरशिप करने तैयार होवोंगे जे साढ़े नाल वो स्कूल आके या वो ऑर्गेनाइजेशन आके जुड़ना चाहते हैं जिदे विच असी जिहड़ी उहदी ऑपरेशनज है मैनेजमेंट है वो विच एक मेन रोल नेहरू सिद्धांत केंद्र ट्रस्ट पार्टनरशिप के राही वधा सकदा या लैंड वाला कोई हो सकता है या जिहदी कोई एग्जिस्टिंग स्कूल चल रहा उहदी फंडिंग की पार्टनरशिप हो सकती है। और तीसरा मैं समझदा कि रिमोट चांस हैगा कोई स्कूल चल रहे जिहड़े कि बिल्कुल ही नहीं चला सकते वो लैंड बिल्डिंग अगर हैगी अवेलेबल तो असी उत्थे ये जिहड़ा स्कूल हैगा फ्री एजुकेशन जिहड़ी असी देने तैयार होवांगे। तो ये मैनूं बड़ी खुशी है कि यूनैनिमसली अज ट्रस्टीज़ ने यह फैसला किया है और असी अज इनू अनाउंस कर रहे हैं एक नवा इनिशिएटिव और एक यूनीक इंस्टीट्यूशन बनावांगे जिहदे विच अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन नू हर तरह की वो सहूलियत दी जाएगी जिहड़ी अज प्राइवेट स्कूलों के अवेलेबल है क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी टीचर्स होणगे टीचर्स नू पूरी तनखा दी जाएगी तनखावां दित्तियां जाणगियां लेकिन वो नाल नाल मैं समझदा कि पढ़ाई के नाल नाल संस्कार वोकेशनल ट्रेनिंग और असं ये चाहवांगे कि हर बच्चा बच्ची
जेडे इस नवे स्कूल प्रपोज स्कूल तो पास करके निकलन वो अपने पैरों पर खड़े होने सक्षम हो और जेडे बच्चे अगे हायर एजुकेशन करना चाहते हैं हाई एजुकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी के जेडे साढ़े अज एग्जिस्टिंग नहरू सिद्धांत केंद्र अंडर ग्रैजुएट या ग्रैजुएशन और पोस्ट ग्रैजुएशन के स्कॉलरशिप्स है उन्होंने बेनीफिट उठा के वो हायर एजुकेशन अपनी कर सकते। दूसरा मैं इस गल की भी बड़ी खुशी है कि असी एक नवी स्कॉलरशिप अनाउंस कर रहे हैं जिड़ी कि एक्चुअली अमेंड कर रहे हैं जी पहली मेरीटोरियस स्कॉलरशिप सी डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स वास्ते जिदे विच जिहड़ी फीस है वो एक कैप सी 25,000 नॉन मेडिकल स्ट्रीम वास्ते और 50,000 इंजीनियरिंग मेडिकल स्ट्रीम वास्ते सालाना स्कॉलरशिप फाइनैशियल सपोर्ट ट्रस्ट दिंदी सी डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स। तीन बोर्ड ने और चार स्ट्रीम वालों 12 बच्चे जिहड़े फस्ट आते हैं जिन्हों की पेरेंट्स की इनकम 5,00,000 तो घट सी उन्होंने वो स्कॉलरशिप दिता जाता सी। वो स्कीम असी अमेंड कर रहे हैं जिदे ये जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स है उन्होंने असी फुल ट्यूशन फीस कोई कैप नहीं होएगा इन डिफरेंट स्ट्रीम्स देवांगे और उहदे विच दो या तीन असी उहदे डेटा पॉइंट्स बनावांगे जिस तरह पहला 5,00,000 हैगा वै तो 5,00,000 तक है उन्होंने असी 100% दे सकते हैं 8,00,000 तक जिहड़े है उन्होंने असी 75% दे देवांगे 12,00,000 तक की घट इनकम है उन्होंने असी 50% स्कॉलरशिप दे तो स्कॉलरशिप जिहड़ी है स्कॉलरशिप कमेटी इहनू कास्ट करेगी। लेकिन इहदे नाल मेरा मनना है कि वह बच्चे जिहड़े इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते सीगे पर वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उन्होंने मापे कॉलेज की फीसा नहीं दे सकते वो बच्चे आज अपने ड्रीम्स नू परसू कर सकेंगे वो अपने मैं समझदा कि जिहड़ा उन्हां दा एक इंस्पिरेशन सी उन्हूं फॉलो कर सकेंगे और इहदे नाल जिहड़े बच्चे वो कोर्स नहीं कर पा सके इंस्पाइट ऑफ कि वो मेरीटोरियस हैगे ने उन्हां नू एडमिशन मिल रही है क्योंकि उन्होंने मापे फीस नहीं दे सकते सी तो वो फिर या बी ए कर रहे हैं या बी कॉम कर रहे हैं तो असी ग्रैजुएट हर साल हिंदुस्तान च आ रहे हैं जिन्होंने नौकरियां नहीं मिलती तो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वोकेशनल कोर्सेज है IT स्ट्रीम्स हैं तो वो वास्ते एक जी लिमिट है वो पूरी जी खोली जा रही हैगी है वो स्कॉलरशिप जी है स्कीम जल्दी उन्होंने फाइनलाइज करके असी अनाउंस करांगे और मैं आस रखते हैं कि जेडे बच्चे उस बैकग्राउंड तो आएंगे और मैं तो शेयर भी कर सकता पिछले जे असं कुछ स्कॉलरशिप दते ने बच्चे आए ने कोई स्क्रैप डीलर है कोई छोटा मोटा उन्होंने रुजगार हैगा वै वो अपने बच्चों की फीसा नहीं दे सकते तो मेरा यह मनना है कि असी उन्हों का हैंड होल्ड करके उन्होंने असी सक्षम बनाइए ताकि वो कल नू अपनी हायर एजुकेशन कर सकन अपने बिजनेस चला सकन अपने नवे अदारे खोल सकन तो ये दो जिहड़ी अनाउंसमेंट हैगी मैं ये अज मैं थोड़े माध्यम के नाल सारे शहरियों के नाल शेयर कर रहा और मैं थोड़ा सारे का धन्यवादी हैं कि तुसी अज आए हैगे हो और मैं आस रखदा कि ये जिहड़ा मैसेज हैगा स्कूल का और स्कॉलरशिप वाला इहनू अगर तुसी ज़्यादा तो ज़्यादा अवेयरनैस यदि क्रिएट करो तो जिहड़ा साडा एक हुण ड्रीम हैगा वै एक नवे तरह का स्कूल खोलन का वो असी लुधियाना शहर के जल्दी 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 खोल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।